Good morning, students. Myself Pavin, sir Now today we have to learn standard two English Marigold textbook, and then we have to write today some questions of our story in Marigold workbook. So you all are ready. Let's take your notebook, apni apni workbook. और नोटबुक ले लो और हम आगे अब लिखते हैं तो डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम आई थिंक आ, वी डिस्कस दिस स्टोरी राइट ने यह स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी बराबर ना और ये स्टोरी के कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज बी टेक्स्ट बुक में से हमने ये किए थे आपको याद आया हम्म राइट वी हैड रिटर्न दिस एक्सरसाइज दिस क्वेश्चन ये पेज नंबर वन थर्टी सेवन इन वर्क बुक इंस्ट्रूमेंट विथ स्ट्रिंग बट अब स्ट्रिंग से कौन से इंस्ट्रूमेंट शुरू होते हैं एक तारा गिटार सितार वायलिन फिर इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू प्ले विथ फिंगर अपनी फिंगर से कैसे ऐसे हिलाते आवाज़ करते हैं बजाते दैट इज तबला डफली एंड ढोलक और, और इंस्ट्रूमेंट दैट यू ब्लो इनटू टू मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर हम ब्लो करेंगे एयर ला लेंगे तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है वो भी हमने सीखे थे फ्लूट एंड सेनाई अगर किसी का बाकी हो तो यह लिख देना पैदा वन थर्टी सेवन Now, today we have to write in workbook. Now, everyone open the workbook, page number 132. Everyone open workbook, page number 132. And then we discuss first some spelling. पहले भी मैंने स्पेलिंग आपको कराए थे आज फिर से करना है एवरीवन वन स्पीक विथ मी एम यू एस आई सी आई ए एन म्यूजिशियंस टी आई एम ई टाइम एल आई वी ई डी लीव्ड एन ए एम ई डी नेम्ड डब्ल्यू ओ आर के ई डी वर्कड वाई ई ए आर एस यर्स एफ ए आर एमिया फार्मर सी ए डबल आर आई ई डी कैरिड H E A V Y heavy, S A C K sex, C O R N corn, this is S U G A R C -A N E, sugarcane, this is farm, factory, tired. We had done this pairing, right? World, goodbye, set off, towards, city, music, replied, friends.

DECIDED e e decided, people inside KNOW no. it's is the canonical It's no. S a N G SANG sang, T-H-O-U-G-H-T thought, and GHOST as ghost, and SCAR is care. So, this is the question spelling. Now we have to write some multiple choice question MCQ. राइट करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी इन द बॉक्स सो गोपू वर्कड फॉर ए तो गोपू किसके लिए काम करता था फॉर ए फार्मर सो वे हैव टू राइट बी हीयर एंड देन हीयर यू राइट एफ ए आर एम ई आर फार्मर ओके नेक्स्ट गोपू कैरीड हैवी सेक्स ऑफ तो कौन सेक लेके जाता था वो

ओल्ड हो गया था बुढा हो गया था उसकी उम्र होने को आई थी इसलिए उसने बोला कि अब तू झा ओ एल डी ओल्ड टायर्ड एंड ओल्ड सो दिस इज ए आंसर यू हैव टू राइट हियर इन दिस बॉक्स ए ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर गोपू वांटेड टू बिकम गोपू को क्या बनना था गोपू वांटेड टू तो बिकम

M U M B A I or Mumbai M capital A because it was named the ball of fur on the road was a cat, right? Yeah, C A T cat. So we have to write C A T cat and option D. So this is your right way. When the musician reached a house, when the musician reached the house, they were the musician house, paunche, they were tired and hungry. So this B we have to write Is me aap sakte Tired and Hungry. Then now what did the musician see on the table? तो म्यूजिशियन ने टेबल पे के ऊपर क्या देखा था फूड दे सॉ फूड उन्होंने फूड देखा सो डियर स्टूडेंट दिस वे हैव टू राइट द आंसर ऑफ दूस द पीपल इन द हाउस थॉट दैट दे वेर गोस्ट पीपल इन द हाउस हाउस में जो पीपल थे वो लोग क्या कुछ होने लगे कि वहां पे क्या आया है भूत गोस्ट नीस बी गोस्ट आया है ऐसा लो को इसलिए वो डर गए द पीपल इन द हाउस वेर स्कैड सो डियर स्टूडेंट्स दिस वी हैव टू राइट इन योर वर्क नोटबुक देख लो दिस इज दिस स्पेलिंग्स दिस आर हार्ड वर्ड्स राइट फाइव टाइम ये हार्ड वर्ड्स आपको फाइव टाइम लिखने हैं वर्कबुक में दिए हैं ऑल द हार्ड वर्ड्स ऑल द स्पेलिंग राइट फाइव टाइम्स देन दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एम सी क्यू गोपू वर्क फॉर ए फार्मर मेरे साथ बोलो गोपू वर्क फॉर ए फार्मर रीड टुगेदर गोपू वर्क फॉर ए फार्मर गोपू कैरीड Heavy sacks of corn and sugar cane. Gopu carried heavy sacks of corn and sugar cane. Next, the farmer asked Gopu to see the world because he was tired and old. Because he was tired and old. द फार्मर आस्ट मेरे साथ बोलेंगे सब लोग द फार्मर आस्ट गोपू टू सी द वर्ल्ड बिकॉज ही वॉज टायर्ड एंड ओल्ड वो थक गया था बर इसलिए उसको वर्ल्ड देख लेके जाने को बोला गोपू वॉन्टेड टू बिकम म्यूजिशियन अब इसका क्वेश्चन बन सकता है हु वॉन्टेड टू बिकम अ म्यूजिशियन तो क्या लिखेंगे Gopu wanted to become a musician. Next, Gopu set off for Mumbai. गोपू कहाँ के लिए तैयार होकर जाने के लिए? Mumbai. तो Gopu set off for Mumbai. Now the ball of fur on the road was a cat. वो तो पढो मेरे साथ. The ball of fur on the road was a cat. रोड के ऊपर जो बॉल ऑफ फर था वो क्या थी कैट थी नेक्स्ट सेंटेंस वैन द म्यूजिशियन मेरे साथ पढ़ने के सब लोग वैन द म्यूजिशियन रिच अ हाउस वो रोहन पढ़ नहीं रहा इशिता नहीं पढ़ती वो अमीना अमीना बैठी रही है पढ़ो मेरे साथ When the musician reached a house, they were tired and hungry. Next, what did the musician see? Bolo. What did the musician see on the table? The dekha? The musician saw food on the tables. Now the people in the house thought that they were ghosts. पीपल इन द हाउस थाट दोस्ट वो क्या सोचने लगे आप भूत है द पीपल इन द हाउस वेर स्कैड हाँ जो घर पे हाँ घर पर जो पीपल थे वो लोग डर गए पीपल इन द हाउस वेर स्कैड ओके सर यूडेंस दिस इज राइट इन योर नोट बुक एंड एज वेल एज वर्कबुक वन टाइम वन टाइम आपको ये नोटबुक में और एम सी क्यू वर्कबुक में भी लिखना है और ये फाइव टाइम्स स्पेलिंग लिखना है नेक्स्ट टाइम वी हैव टू राइट सम क्वेश्चन आंसर तब तक ले गुड बाय सी यू टाटा और अपना ध्यान रखेंगे सब लोग ओके okay, बाय बाय